अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। 5 मिनट में ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमारी ये रेसिपी तैयार हो। सबसे पहले मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, इसमें 1 अदद ब्रीक ब्रीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद छोटे साइज़ का टमाटर, इसे भी आपने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लेना है। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, 2 अदद ब्रीक ब्रीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, इस तरह से अपना बैटर तैयार कर लेंगे। अब मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। इसको इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप कोई भी चिली सॉस या कैचअप यूज़ कर सकते हैं। 1 चुटकी ओरिगैनो, 1 चुटकी इस पर चिली फ्लेक्स मतलब कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। चीज़ लगाएंगे, अगर आप स्लाइस चीज़ लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। ये मैंने घर की बनी हुई चीज़ लगा रही हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दूसरा पीस पकड़ा, इसके ऊपर रख दिया। अब हम इसे तवे पे बेक करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, इसको मैं ऐसे हल्का सा ऑयल या घी लगा देंगे और जो पीस हमने तैयार किया था अपना ब्रेड का वो इसके ऊपर बेक करेंगे। हल्की आंच पे आप इसे बेक करेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे कि दूसरी तरफ से भी ये बेक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर इसका आया है, चीज़ भी हमारी मेल्ट हो रही है। जैसा कि दूसरी तरफ भी इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो गया, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी पैन में मैं घी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और जो बैटर हमने तैयार किया था इसमें से आधा बैटर मैं यूज़ कर रही हूँ, आधा बाकी बाद में यूज़ करेंगे हम। इसको इस तरह से फैला देंगे और जो सैंडविच हमने तैयार किया था इसके सेंटर में रख देंगे ऐसे। रैप करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें, बहुत ही एहतियात से इसकी साइड चेंज कीजिएगा। और ये इसकी शेप आई है, कलर इसका लाइट ब्राउन सा आया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम ज़रा पकाएंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, ऑमलेट सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम सेंटर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है ये सैंडविच हमारा, फुल चीज़ी है, बहुत ही मज़े का है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।